कात्यायनी की महिमा और पूजा विधि। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नव दुर्गा के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधित मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और मन चाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इन्हीं से माना गया है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायक होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग शीर्ण हो तो भी विवाह हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि माता का संबंध किस ग्रह और देवी देवता से है। महिलाओं से विवाह संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपियों से रहा है और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। कैसे करें माँ कात्यायनी की सामान्य पूजा? दोस्तों, अगर आप शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहते हैं तो उसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की चढ़ाएं, माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सतन देवी पति मे कुरुते नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित कर लें। अब हम आपको बताएंगे माँ कात्यायनी की उपासना से कैसे बढ़ेगा तेज। दोस्तों, सबसे पहले माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर यह शहद चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाता है तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपने जाना नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे की जाए और इनकी पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपका मन चाहा विवाह हो सकता है। और इनकी उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा विधि। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।